फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल ताराकान ट्यूटोरियल्स पे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा हो तो आपको ये पता होगा कि मैं पैच शुरू कर चुका हूँ। जो मेरा मॉडल कमांड है उसको मैं ख़त्म करके पैच शुरू कर चुका हूँ। तो मैं आज आपको बताता हूँ पैच का एक और चीज़ के बारे में। जैसे क्रिएट में आपने उस दिन देखा पिछले वीडियो में कि मैंने एक्सक्रूड बता दिया था। अब हम चलते हैं रिवॉल्व में। तो दोस्तों, आप नॉर्मली रिवॉल्व मॉडल में भी कर सकते हो। ये देखो, मैं आपको एक मॉडल में रिवॉल्व करके दिखाता हूँ। ये मैंने मॉडल में एक रेक्टेंगल बनाया। मैं गया क्रिएट में, क्रिएट से मैंने किया रिवॉल्व। इसको मैंने सिलेक्ट किया प्रोफाइल को और एक एक्सिस चुन ली। ये देखिए दोस्तों, ये था मेरा मॉडल में रिवॉल्व। ठीक है, तो मैं आप मॉडल में तो आप रिवॉल्व समझ गए, लेकिन इसमें रिवॉल्व जो है पैच में, ये आप रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं और एक लाइन से भी कर सकते हैं। आप दोनों से कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि जैसे आप पैच में, जैसे हम मैंने आपको बताया था कि पैच में आप रेक्टेंगल को आप कैसे रिवॉल्व एक्सक्लूड करते हो और मॉडल में आप रेक्टेंगल को कैसे एक्सक्लूड करते हो। तो मैं पैच में आप एक लाइन को भी एक्सक्लूड कर सकते हो। ये मैंने एक लाइन बनाई और पैच में आप इस लाइन को भी एक्सक्लूड कर सकते हो। फिर से गया मैं क्रिएट में, क्रिएट से गया मैं एक्सक्लूड। ये देखिए दोस्तों, आप क्रिएट में एक लाइन को भी एक्सक्लूड कर सकते हो पैच में जाके, लेकिन मॉडल में आप इस लाइन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये देखो, मैं एक लाइन में आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैंने एक लाइन बना ली ऐसी और इसको मैं एक्सक्लूड करने जाऊँगा तो एक्सक्लूड नहीं होगी ये। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पैच में हम एक लाइन को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं और उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं दोबारा पैच में। यहाँ से एक नई प्रोफाइल खोलते हैं, नया पेज खोल लिया हमने, गए मॉडल से पैच में। अब पैच में मैं आपको एक लाइन से रिवॉल्व करके दिखाता हूँ और फिर एक रेक्टेंगल से रिवॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मैं एक लाइन से रिवॉल्व करते हैं। ये मैंने पैच बनाया, लाइन बनाई, फिर मैंने क्रिएट में जाके इसको एक्सक्लूड कर लिया। थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं तो कम कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब मैं क्रिएट में जाके रिवॉल्व करता हूँ। ये मैंने प्रोफाइल सिलेक्ट कर ली और एक मैं एक्सेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रिवॉल्व हुआ है पैच के अंडर। मतलब हमने एक लाइन से लेके इसको रिवॉल्व कर दिया। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक लाइन बनाई, उसको मैंने रिवॉल्व कर दिया। ये था हमारा, जो हमारा मॉडल के अंदर ये रिवॉल्व हुआ था। मतलब क्लोज करता हूँ बीच वाले प्रोफाइल को। ये तो हमारा मॉडल वाला रिवॉल्व, ये बिल्कुल सॉलिड था। और ये था हमारा पैच वाला रिवॉल्व, जो कि हमने एक लाइन से बनाया था। ये देखिए दोस्तों, ये थी हमारी लाइन। हमने एक लाइन बनाई, लाइन से हमने शीट में कन्वर्ट किया और शीट से फिर हमने इसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया। लेकिन सॉलिड में, लेकिन जो मॉडल में हमने सिर्फ एक हमने प्लेन बनाया, प्लेन को हमने रिवॉल्व करवा दिया। क्योंकि आप मॉडल के अंदर एक लाइन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते और पैच के अंदर आप एक लाइन को एक्सक्लूड कर सकते हो। फिर यहाँ से चलते हैं पैच में। अब देखते हैं क्रिएट में हमारा है रिवॉल्व। अब स्वीप तो आपको पता ही होगा कि स्वीप हम कैसे करते हैं। स्वीप मैंने आपको मॉडल के अंदर बताया भी था, तो स्वीप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉफ्ट। अब लॉफ्ट हम कैसे करते हैं? अब आपने मॉडल के अंदर तो लॉफ्ट देखा है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर लॉफ्ट दिखा देता हूँ, तो आपको डिफरेंस अपने आप सॉल्व में आ गया होगा, आ जाएगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर मैं इसके ऊपर एक प्लेन बनाता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। एक सर्कल बनाया, फिर से मैं क्रिएट में किया मैंने लॉफ्ट। ये प्लेन चुना, दूसरा प्लेन चुना। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो लॉफ्ट हुआ कैसे बन गया है? ये थोड़ा सा हॉलो लॉफ्ट है हमारा, क्योंकि हमने पैच के अंडर किया है। तो पैच के अंडर जो हमारा लॉफ्ट बन गया है वो हॉलो है। अब मैं आपको इसके साइड में मॉडल के अंदर एक लॉफ्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको मॉडल के अंदर लॉफ्ट और पैच के अंडर लॉफ्ट का डिफरेंस पता चल जाएगा।
मैं पैच से गया मॉडल में, मॉडल से फिर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने एक बना दिया। इसको मैं हल्का सा एक्सक्रूड कर लेता हूँ 0.01, और फिर एक प्लेन लेके जाता हूँ थोड़ा सा ऊपर, और एक सर्कल बनाता हूँ स्केच से। ध्यान रखिए दोस्तों, ये हमारा मॉडल के अंदर चल रहा है, जो बगल वाला लॉफ्ट था वो हमारा चला था पैच के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, फिर मैं क्रिएट में गया, क्रिएट में किया मैंने लॉफ्ट, मैंने ऊपर वाला प्लेन चुना, नीचे वाला प्लेन चुना। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लॉफ्ट हो गई। तो दोस्तों आप जो मेरे लेफ्ट में देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट में जहाँ मेरे अभी येलो कलर के पॉइंटर को देख रहे हैं, ये था हमारा पैच के अंदर लॉफ्ट, और जो हमारा राइट वाला लॉफ्ट है वो था हमारा मॉडल के अंदर लॉफ्ट। तो आप दोनों लॉफ्टिंग का मतलब समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ मैंने आज आपको क्या बताया। मैंने आज आपको एक्सट्रूड के बारे में बता दिया, रिवॉल्व के बारे में बता दिया, स्वीप के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्वीप मैंने पहले ही बता दिया था, तो वो सेम उसी तरह का था। इसमें भी इसमें हॉलो नहीं होगा लफ, जो स्वीप आप करोगे पैच के अंदर वो हॉलो नहीं होगा, क्योंकि जो वो सेम मॉडल की तरह होगा। तो मेरा दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने आपको लॉफ्ट बता दिया, अब मैं आपको एक बार पैच दोबारा बता देता हूँ। पैच मैंने आपको पुराने पिछले वीडियो में बताया था, तो पैच का मतलब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये ऊपर से जो है खुला हुआ है बिल्कुल, ये जो कवरिंग है पूरी ओपन है। तो इसको मैं कवर कैसे करूँगा? तो इसको कवर करने के लिए मैं क्रिएट में जाऊँगा, क्रिएट में पैच का यूज़ करूँगा, पैच पे क्लिक किया और मैंने ऊपर वाला सर्कल चुन लिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कवर हो गया। अब दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ा वाला जो हमारा लॉफ्टिंग है ये हमारा पैच के अंदर हुआ था, और जो हमारा छोटा वाला लॉफ्टिंग है ये हुआ था हमारे मॉडल के अंदर। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो लॉफ्टिंग के ऊपर। तो थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।